एफ इनवर्स एक्स इसका आंसर क्या आया था इसका आंसर था एक्स हमेशा जहां पे f क्या है f कैन बी योर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट कैन बी साइन इट कैन बी कॉस कॉस कॉट टेन ठीक है तो फाइनली हमारे पास जो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आंसर इज x तो देर शुड बी नो डाउट इन दिस नाउ ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज एफ इनवर्स ऑफ एफेक्स वेयर इनवर्स फंक्शन वॉज आउटसाइड एंड योर ओरिजिनल फंक्शन इज इन साइड ओके इसका आंसर भी एक्स आता है बट कहां पे ओनली इन प्रिंसिपल डोमेन ओनली इन प्रिंसिपल डोमेन दिस वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी फिर थर्ड प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि अगर हम प्रिंसिपल डोमेन के बाहर बात करना चाहते हैं तो फिर एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा तो फिर हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया अगर अपन साइन की बात करें तो साइन का ग्राफ वॉज समथिंग लाइक दिस तो विच इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स इन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का ग्राफ वॉज लाइक दिस यू रिमेंबर तो इस तरीके से हमने थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्कशन किया नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी डिस्कस्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन टैन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन एंड रियली सॉरी पाई बाय टू अरे यार मैं पता नहीं क्या सोच रहा था यार दिस इज फाइव बाई वी डर अबाउट द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या आई थी कि कॉसिक इनवर्स एक्स कैन बी एनी डे रिटर्न एज साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स तो ये हमें समझ में आना चाहिए सेक इनवर्स एक्स

शॉर्टकट फॉर्मूला को याद कैसे रखते हैं पहला वाला तो बड़ा क्लियर है कि जब एक्स पॉजिटिव होगा इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बात चल रही है एक्स uh, की वैल्यू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव आते हैं इन फर्स्ट क्वार टेन एन कॉट आर पॉजिटिव तो इसका मतलब जो कॉट इनवर्स एक्स का आंसर होगा फर्स्ट क्वार्रेंट वाला वही टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स का होगा बट वेन एक्स इज लेस देन जीरो तो आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि टेन इनवर्स एक्स कौन कौन से क्वार्रेंट में आंसर देता है फर्स्ट एंड फोर्थ राइट फर्स्ट में कब देता है वेन नंबर इज ग्रेटर देन जीरो फोर्थ में कब देता है वेन नंबर इज लेस देन जीरो और ये फोर्थ क्वार्रेंट कौन सा वाला है ये माइनस फाइव बाई टू से जीरो वाला है बात समझ में आती है कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बताओ कॉट इनवर्स एक्स कौन कौन सेकेंड फर्स्ट वाला आंसर कब मिलता है When your X is greater than zero. Second वाला कब मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी

फोर्थ से हमें सेकंड तक पहुंचना है फोर्थ से सेकंड तक पहुंचना इसका मतलब माइनस पाई बाई टू से जीरो से लेकर कौन से वाले क्वार में पहुंचना है पाई बाई टू से पाई वाले में तो आप एड करोगे कि सब करोगे एड करेंगे इसलिए यहाँ पे पाई एड होता है आई एम नॉट गिविंग दि जस्टिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला उसका तो अलग डेरिवेशन होता है आई एम जस्ट टेलिंग यू दी वे टू रिमेम्बर दिस क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बहुत सारे फॉर्मुलेस देख लेते हैं इनवर्स इन्वर्स फंक्शन के तो हमें कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे पाई एड हो रहा था सब ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पे माइनस पाई प्लस था कि 1 x था कि पाई पाई माइनस इनवर्स इनवर्स अपॉन अपॉन था था प्लस बिकॉज आज हम कुछ ऐसे फॉर्मुलेस देखने वाले हैं जिसमें ये दो दो तीन तीन केसेस बनेंगे और जब वो सारे फॉर्मुलेज आप एक साथ लिखोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना चालू हो जाएगा कि यार इस फॉर्मूले में पाई प्लस करना था कि माइनस करना था उसको कैसे याद रखना है उसको इस तरीके से याद रखना है ये बात समझ में आई क्या अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आपसे एक नया फॉर्मूला इसका वैसे वर्षा वाला फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं tan इनवर्स x को मुझे कन्वर्ट करना है cot इनवर्स में तो वो cot इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर होगा पर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ठीक है बट व्हेन x इज लेस देन 0 कैन यू टेल मी tan इनवर्स x किसके बराबर होगा

Uh, tan inverse minus x is minus of tan inverse x another odd function then cosec inverse minus x is minus cosec inverse x another odd function right ठीक hmm. है ये तीनों हमारे odd function है बट द रिमेनिंग थ्री आर नॉट odd फंक्शन तो cos, cos inverse x व्हाट इज द रिलेशन व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर पाई माइनस cos inverse राइट नेक्स्ट कॉस इन्वर्स माइनस एक्स के बाद कॉट माइनस एक्स अगेन सेम रिलेशन पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड लास्ट वन इज कॉसेक कॉसेक नहीं क्या बच गया सेक सेक से माइनस एक्स इज इक्वल टू पाए माइनस सेक इनवर्स एक्स तो दिस वॉज अवर नेक्स्ट प्रोपर्टी विच वी डिस्कस्ड टिल नाउ

So that is why मैंने अभी तक आपको रिकॉल करवा दिया वॉट एवर वी है इन दिस चैप्टर लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई अभी तक हमें जो क्वेश्चन करने आते हैं वो सिंगल फंक्शन वाले आते हैं भाई सिंगल फंक्शन है टेन इनवर्स फोर बाय थ्री

आई हैव एक्चुअली टू ऑप एक ऑप्शन है मेरे पास की मैं सीधे इसका रिजल्ट बता देता हूँ रिजल्ट देन जीरो एंड एक्स वाई इज लेस देन वन सेकेंड केस इसी में इट इज इक्वल टू पाए प्लस

और ये कब होता है फॉर्मूला वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन दैट्स इट तो दिस इज द दमूला नाउ वी हैव टू ऑप्शंस एक ऑप्शन तो है कि यार याद तो करना ही है उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं सेकेंड ऑप्शन बस इतना है कि हम इसको डिराइव कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को डिराइव कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू यू टेल मी शुड बी प्रॉपरली डिराइव किया यार ये जो सम है उसके ये दो ही केसेस क्यों आ रहे हैं कोई थर्ड केस क्यों नहीं आ रहा वाई नॉट ओनली वन केस इज कमिंग और उसमें पाए प्लस ही क्यों हो रहा है पाए माइनस क्यों नहीं हो रहा एक्स वाई लेस देव दस शुड रिमेम्बर नो derivation नहीं याद रखना ये फॉर्मूला याद रखना है राइट बट हाँ तो टेलमी याद रख लें सीधे फॉर्मूला या लेट्स डिराइव डेराइव करें चलो तो अपन एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे इससे हमें ये भी समझ में आएगा कि हाउ टू to... टैकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं अपलाईड टू मेनी प्रॉब्लम बट आई वोट बी डेरा ऑल दमूलाजी डिस्कसिंग टूडे एक दो ही मैं बस डेराइव करूंगा सो देट वी गेट द आइडिया ओके तो लेट स्टार्टियर अपन को अपना एम क्या है अपना एम है भूल जाओ ये जो राइट में मैंने रिजल्ट लिखे जस्ट मतलब भूल जाओ जस्ट फोगेट इट अपन लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं अपने पास क्या है अपना स्टार्टिंग पॉइंट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और मुझे इसको मर्ज करना है मुझे इसको सिंगल टेन इनवर्स में लाना है ठीक है स्टार्ट करते हैं अप्रोच देखना tan इनवर्स x बेसिकली क्या होता है एक एंगल लेट मी सपोज दिस एंगल एज एक्स एंड लेट मी सपोज दिस एंगल एज बी मतलब लेट मी सपोज दिस एंगल एज ए एंड लेट मी सपोज दिस एंगल एज बी मैंने इनको ए और बी मान लिया इसका मतलब मुझे क्या निकालना है आई नीड टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए प्लस यस या नो यस सर ठीक yes, है नेक्स्ट बिफोर एज्यूमिंग एनीथिंग Uh, just give me a moment, just one second. Yeah. ठीक है तो वी एज्यूम बी बट बिफोर स्टार्टिंग एनी इनवर्स का प्रॉब्लम इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि राइट द रेंज ऑफ एक्स वाई ए एंड बी तो टेल मी एक्स कहां से कहां के बीच में होगा बिकॉज एक्स इज इन साइड टेन इनवर्स एक्स की वैल्यूज क्या होंगी एक्स बिलोंग्स टू आर करेक्ट वाई बिलोंग्स टू आर ए बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू टू फाइव या अब तो याद कर लो यार बी बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू इतना लिख लिया अपन ने ये इसलिए लिख लिया ताकि आगे अपन को केसेस बनाते वक्त कुछ decisions लेते वक्त बार बार सोचना नहीं पड़ेगा हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया गॉट इट ठीक है इसको बॉक्स बॉक्स में कर लेते हैं अपन कि ये अपना रेंज है जो भी बातें होंगी इसमें होंगी अब अपन को ए प्लस बी निकालना है इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी कैन आई स्टार्ट विथ टेन ऑफ ए प्लस बी राइट टेन ऑफ ए प्लस भी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी करेक्ट ठीक है अगर ये हमने लिख लिया लेट सिंप्लीफाई टेन ए बताओ टेन एक ही जगह क्या रखना होगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन वन माइनस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इन टून ऑफ एक्सली लिख सकते हो ना यार वही लिखना है आगे भी बट आई वॉन्ट टू गो स्लोली सो दैट मिस्टेक नहीं हो जाए अब मुझे बताओ टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो टैन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स गॉट इट आप, आपको लग रहा होगा यार कि मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ यार देर इज अ रीजन बिहाइंड इट मिनट में में भी समझ में आ जाएगा कि ये सारे केसेस के लिए कितना केयरफुली चीजों को मतलब सोचना पड़ता है ओके okay, तो इनवर्स इनवर्स सॉरी ऑफ विल बी नो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ठीक है तो अपने पास क्या आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई फाइन अब अपन को चाहिए क्या था वी नीड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई सॉरी वी नीड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और अगर मुझे चाहिए, मैं दोनों तरफ tan inverse ले रहा हूं. तो टेन इनवर्स टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इतना सबको समझ में आ गया क्या ठीक है तो आप ये बताओ इस फॉर्मूले में जो tan इनवर्स के अंदर आया है x y 1 xy एक्चुअली में वो कौन से फॉर्मूले से आया है इस वाले फॉर्मूले से आया है हम्म x y 1 xy तो यहां तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए राइट नाउ लास्ट पॉइंट लास्ट स्टेप ये आया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a b क्या इसको हमेशा कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते यहीं पे तो केसेस बनते हैं लास्ट

ए का रेंज आपने लिखा था बी का रेंज लिखा था ए इज बिटवीन माइनस माइनस मुझे बताओ, ए प्लस बी कहा अब योर एंगल इनसाइड दिस ए प्लस बी लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाए तो यहाँ पे कितने इंटरवल में इसे ब्रेक करना पड़ेगा फर्स्ट केस वेन ए प्लस बी इज बिटवी माइनस पाए टू माइनस बी इज बिटवी माइनस बीज बिटवी की नहीं बनेंगे दिस इज केस वन दिस इज केस टू दिस इज केस थ्री तो एक्चुअली में हमारे पास तीन आंसर आने चाहिए थे इस क्वेश्चन के वो तो दो आंसर में हमने उसे लिखा क्यों आई विल टेल यू द रीजन इन समाइम करेक्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पहले कौन से केस की बात कर लें केस टू की बात कर रहा हूं मतलब बीच वाला जो इसमें है दैट इज वेन और ए प्लस बी इज बिटवीन माइनस अच्छा एक बात और बताओ मैंने ना क्वेश्चन में अच्छा इनफैक्ट वो पहले ही कर लेते हैं क्वेश्चन में कंस्टेंट ले लिया कि ये जो एक्स है ना और ये जो वाई है ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है अपने लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी मुझे बताओ अगर एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो ले लिया तब तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी क्या चीजें सिंप्लीफाई होंगी बताओ एक्स और वाई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये चेंज हो जाएगा ये क्या बनेगा एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो तो ए कहां से कहां के बीच में होगा जीरो टू पाई बाय टू, टू, टू एंड ये भी जीरो से पाई बाय टू अपने को कम केसेस बनाने पड़ेंगे जीरो टू पाई बाय टू यस या नो ठीक है और अगर अगर ए और भी जीरो से पाए बाय टू के बीच में है तो ए प्लस भी कहां से कहां के बीच में होगा जीरो टू पाए बाय टू जीरो टू टू तो फिर ए प्लस भी कहां से कहां के बीच में होगा ए प्लस भी बिटवीन जीरो टू पाए और ए प्लस भी अगर जीरो से पाए के बीच में है तो अपने को कितने केसेस बनाने पड़ेंगे ओनली टू और वो कौन कौन से होंगे स वन केस वन वे प्लस बी इज बिटवी जीरो अब मुझे बताओ जब ए प्लस बी जीरो से पाए बाइ टू के बीच में है तो क्या टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी में इन साइड एंगल प्रिंसिपल डोमेन में है ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल आंसर अपन को क्या मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये बात समझ में आ गई तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन से केस के लिए निकल के आया ये केस के के लिए निकल के आया जो अपना फर्स्ट केस था अब फर्स्ट केस का आंसर अपन ए और बी में लिखने की जगह कैन बी राइट इट इन एक्स एंड वाई डेफिनेटली लिख सकते हैं ए प्लस बी क्या है ए क्या था ए था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लेस देन पाई बाय टू टेन इनवर्स वाई को उस तरफ ले जाओ तो टेन इनवर्स एक्स यार देखो मैं ये सब बता रहा हूं जिसको समझ में अच्छी तरह आ रहा है वेल एंड गुड क्योंकि हम लोग यार जेई का बैच रन कर रहे हैं अगर किसी को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक एक रफ आइडिया ले लो कि वाई टू केसेस आर कमिंग और उसके बाद इन फॉर्मुलेस को याद रख लेना यार ठीक है टेन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाव बाय टू माइनस टेन इनवर्स वाई मी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं any formula pi by 2 minus tan inverse y can be written Quart as cot inverse y correct tan inverse x less than cot inverse y अब cot inverse y को वापस tan inverse में क्या लिख सकते हैं tan inverse x less than tan inverse 1 upon y 1 by y और क्योंकि tan inverse एक इंक्रीजिंग फंक्शन था तो x is less than 1 upon y इसका मतलब xy is less than 1 समझ में आया क्या तो जो ये तो ये दिस दिस इज़ इज़ केस केस ओनली ओनली अपन ने केस की कंडीशन को सिंप्लीफाई किया है राइट right? तो केस वन का फॉर्मूला पता है क्या आया tan इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स व्हेन एक्स प्लस b इज बिटवीन 0 टू π/2 एंड a प्लस बी जीरो से π/2 होने का मतलब एक्स वाई इज लेस देन 1 तो क्या यही वाला केस अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं किया डिट वी डिराइव दिस थिंग ओनली

अरे पर यहाँ डिनोमिनेटर में चाहिए ना यार यारेट्स वन इट इज लाइक अपॉन इट ठीक है तो so ये हमारे पास फर्स्ट केस आया अब हमारे पास सेकेंड केस और बचता है तो लेट मी डिराइव केस ऑल्सो अब उतना टाइम लगना नहीं चाहिए लेट्स डिराइव तो केस टू क्या था मैंने पेन का कलर चेंज किया है केस केस रिमेंबर कौन सा वाला था वेन ए प्लस इज बिटवीन पा टू टू फाइव करेक्ट ठीक है इसको सॉल्व करते हैं अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके corresponding condition तो इसके कंडीशन पता है क्या हो जाएगी एक्स वाई ग्रेटर देन वन ऐसे ही निकालेंगे अपन ये पासिटी चेंज हो गई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी ग्रेटर देन सब जगह ग्रेटर होगा एक्स वाई ग्रेटर ये कंडीशन तो समझ में आ गई अब अपन को बस इंटरनली सॉल्व करना है तो अपने पास इक्वेशन क्या आई थी अपने पास इक्वेशन आई थी ये वाली दिस वन और वो क्या थी? ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई अपने पास ये इक्वेशन थी हमें यही कैंसिल करना था नाउ टेल मी इन दिस केस इज ए प्लस बी इन दी प्रिंसिपल डोमेन नो कहां पे है वो थोड़ा आगे है टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनाते हैं टेन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आंसर आता था वाईक्वल टू एक्स पाई बाई टू से पाई के बीच में आंसर क्या आता था दिस वॉज वाई एक्स वाईक्वल टू एक्स माइनस पाए याद आया क्या यही होता था फिगर बना लो तो मुझे बताओ टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी का आंसर क्या होगा एक्स माइनस पाई द्लस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई पाई को राइट साइड में ले जाओ ए और बी को रिप्लेस कर दो तो फाइनल योर फॉर्मूला इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाए प्लस ओके तो yes, okay, अब आप ये बोल सकते हो कि सर अपन ने तो यहाँ पे स्पेशल केस मान लिया एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो अगर हम ये नहीं लेते तो कितने केस बनाने पड़ते थ्री राइट yes, right? तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है वाई बिकॉज अगर एक्स और वाई में से कुछ भी नेगेटिव आ जाता है ना तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी को पहले यूज करेंगे हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दिस वन दिस वन प्रॉपर्टी नंबर सिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है जब भी किसी फंक्शन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल सकता है बोलो yes, भाई अगर माइनस बाहर निकल सकता है तो अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा होता है टेन इनवर्स माइनस वन बाय सेवन टेन इनवर्स माइनस वन बाय थर्टीन तो सबसे पहले मैं दोनों टेन इनवर्स से माइनस बाहर निकाल लेता ना यार ओवरऑल एक माइनस कॉमन आ जाता और फिर यही फॉर्मूला लग जाता कि नहीं लग जाता नहीं। तो इसीलिए हम जो भी ये फॉर्मुलेज आज पढ़ने वाले हैं एडिशन और वाले, हम हमारे आउटसाइड डायरेक्टली और पाई माइनस करके जो भी फॉर्म बन रहा होगा एंड उसके बाद हम ये फॉर्मुलेज लगा पाएंगे तो ऐसा करने से हमें ज्यादा फॉर्मुलेज याद नहीं रखने पड़ेंगे वी हैव टू रिमेंबर जस्ट दीज टू फॉर्मुलेज गोट इट ठीक है वन लास्ट थिंग इसमें मुझे एक बात बताओ अगर इसको याद रखना हो पहले नोट कर लो यार सब कुछ नोट कर लो देन मैं एक बार याद करने का एक छोटा सा तरीका और बताऊंगा कि पाए प्लस होगा कि क्या होगा आई एम जस्ट राइट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट दिस फॉर्मूला वंस अगेन हमें लॉजिकली समझ में आ गया पर हर जगह वी कैन नॉट बी लॉजिकल ऑलवेज एग्जाम में हम डिराइव नहीं कर सकते वी हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट और जब हम बाय हार्ट याद रखेंगे तो अब बाय हार्ट भी याद नहीं रख पाते कि ऐसा थोड़ी ना है कि दस बार फॉर्मुले को बोल के याद कर लोगे यार उसमें भी अपन कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या कैसे याद रखें इस फॉर्मुले को तो फर्स्ट इज फॉर्मुलास एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जिसमें इतना तो याद होगा ना कि अंदर टेन इनवर्स के अंदर क्या आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी करेक्ट बस ये कंडीशन कब के लिए आई थी एक्स वाई लेस देन वन ओके अब जो दूसरा केस है एक्स वाई ग्रेटर देन वन तो उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये तो रहेगा ही रहेगा टर्म कुछ या सब्ट्रैक्ट होगा जनरली वो पाए ही होता है पाए या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है बस वही कंफ्यूजन होता है पूरा की पूरा ओके okay, तो इसको पता है अपन कैसे याद रख सकते हैं जस्ट एक स्पेशल केस सोच के देखो आपका x इन टू वाई दोनों वन से बड़ा है इसका मतलब टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y की वैल्यू पाए बाय फोर से बड़ी होगी कि छोटी होगी बड़ी है ना वैसे आप ये भी बोल सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x है वन बाय थ्री और y है फोर तो ओवरऑल एक्स वाई इज ग्रेटर करेक्ट है यार हम तो यार एक स्पेशल केस सोचकर इस फॉर्मूले को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्स वाई ग्रेटर देन वन को ये वाला केस भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना मैन एक्स ग्रेटर देन वन इसका मतलब एक्स भी टेन इनवर्स एक्स भी ग्रेटर है और टेन इनवर्स वाई भी ग्रेटर है करेक्ट अगर ये दोनों π बाई फोर पाई बाई फोर से बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा हुआ बोलो और राइट हैंड साइड कभी π बाई टू से बड़ा हो सकता है क्या सिंगल इनवर्स कैन सिंगल टैन इनवर्स भी ग्रेटर देन नहीं इसका मतलब दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए किधर ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट की राइट राइट जस्ट एड पाए दिस इज योर आंसर अब इतना दिमाग मत लगाना सर पाए क्यों एड किया पाए बाई टू क्यों नहीं किया ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया मैं सिर्फ एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई है बस इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि आप पाए ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा ये याद कैसे रखें डेरिवेशन भी समझ में आ रहा है पर यार एग्जामिनेशन हॉल में देअर इज अ टाइम कंस्टेंट आप लॉजिकली नहीं सोच सकते ओके okay? ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला था वेर एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो की जरूरत नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन यू दी आईडिया कि ये सब फॉर्मुले कैसे आ रहे हैं सो द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कैन एनी वन सजेस्ट टेन इनवर्स के अंदर क्या आएगा कोई दो केसेस नहीं बनते हैं दिस इज दुड पार्ट ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला इसलिए सारे फॉर्मुलेज में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है अभी अपन सीरीज वाले क्वेश्चन भी देखेंगे इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी यूज दिस ओके ठीक है थर्ड तो ये हमने टेन इनवर्स की बात कर ली अब मुझे बताओ टेन इनवर्स की कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइक टेन इनवर्स थ्री प्लस टेन इनवर्स माइनस टू मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वन और सेकेंड वन सेकेंड सेकेंड वन क्यों क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यू विल गेट टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू लगा दो सेकेंड वाला फॉर्मूला राइट right? अगर इसमें बीच में माइनस होता टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स माइनस टू कोई बात नहीं आप बोल आप बोलो ना कि हमें एक्स और वाई अलग अलग दे दिया है एक ग्रेटर देन जीरो एक लेस देन जीरो नो प्रॉब्लम हम दोनों को ग्रेटर देन जीरो बना सकते हैं टेक दिस माइनस आउटसाइड, इट विल बिकम इट इनवर्स थ्री माइनस प्लस टेन इनवर्स ऑफ टू कौन सा फॉर्मुला लगेगा फर्स्ट वन और फर्स्ट में भी कौन सा वाला पार्ट से <laughs> तो दो सिंपल दो क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री मुझे इसका आंसर बता दो एंड टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट यह हो गया क्या यस yes, फर्स्ट वन इज पाए बाय टू सेकेंड वन इज पाए अगर किसी का नहीं हुआ स्टिल uh, ट्राई करो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर अदर स्टूडेंट्स टेन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय आई नीड value ऑफ दिस एक स्टैंडर्ड एंगल आता है सो so वन by फाइव वन by सेवन वन by थ्री वन by एट ये फर्स्ट और सेकंड आ गए क्या दिस वॉज फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट ये तो क्वेश्चन है इसको याद नहीं रखना है so सेकंड वाला, वाला दिखा सकते हो तो सर सेकंड वाला दिखा सकते हो क्या मतलब यार हाँ करता हूँ ना सॉल्व आई विल सॉल्व ना नो प्रॉब्लम जस्ट गिव मी टू मोर मिनट ट्राई दी थर्ड वन सर फर्स्ट और सेकंड वाला याद रखना पड़ेगा हाँ मतलब

ठीक है मैं एक कोई कर देता हूँ एक तो मैं सेकंड वाला करता हूँ सेकंड वाला देखो टेन इनवर्स वन तो पाए बाय फोर ही होता है यार उसके लिए फॉर्मूला मत यूज करना और टेन इनवर्स टू प्लस इनवर्स थ्री के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दिस वन फर्स्ट का सेकंड पार्ट तो उसका आंसर क्या होगा पाए प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई दैट इज टू प्लस थ्री अपॉन वन माइनस टू इन टू थ्री दिस शुड बी दमूला पाए बाय फोर प्लस पाए प्लस टेन इनवर्स

फर्स्ट इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओ देन इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओ फिर वो जो दो आंसर आएंगे उसके लिए लगाओ ओके सो सो यू विल हैव टू अप्लाई दिस थ्री टाइम्स आई एम नॉट लगाओके प्लीज डू इट योर सेल्फ जिसका नहीं आया है ठीक है वी शुड ऑल्सो इंक्रीज लाइक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन बिटवीन योर सेल्फ तो अगर जैसे आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स है एक का आया है और एक का नहीं आया है डिस्कस विथ फ्रेंड्स ऑल्सो ये भी डिस्कस कर सकते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ okay? क्वेश्चन तो थर्ड का आंसर था पाई बाय तो आई थिंक ये क्लियर होगा ये जो दो सेट ऑफ फॉर्मुलेस हैं टेन इनवर्स वाले एंड दीज आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट ओके अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपको क्वेश्चन एक ऐसा देता हूं जस्ट थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड साइन इनवर्स 12 बाय थर्टीन प्लस कॉट इनवर्स 4 बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं तो टेल मी वन थिंग क्या आपको लगता है आपको कोई और फॉर्मूले की अब जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलो यार एक क्वेश्चन मेरा ये है एंड सेकेंड क्वेश्चन है मेरा साइन इनवर्स ट्वेल्व बाई थर्टीन प्लस इनवर्स इक्वल दो क्वेश्चन है अब एक तो अपन ने जैसे फॉर्मूला पढ़ा अभी किसका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फर्स्ट गैस ऐसे और कौन कौन से फॉर्मूले होते होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो भी होता होगा एंड साइन मतलब प्लस माइनस दो यहाँ पे रिजल्ट होंगे थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स क्या होगा फिफ्थ एंड सिक्स होगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई मैं बताऊंगा ये वाले रिजल्ट भी ऐसा नहीं कि ये डिस्कस नहीं करेंगे बट बिफोर डिस्कसिंग दीज रिजल्ट मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि इन जनरल हम इन फॉर्मुलेज को यूज नहीं करते हैं बिकॉज दीज फॉर्मुलेज आर रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू टेन इनवर्स के फॉर्मुलेज तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया लाइक दिस सेकेंड क्वेश्चन जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाए है तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो अपन प्रॉपर साइन इनवर्स वाला फॉर्मुला यूज करें जो भी अपन देखने वाले हैं डू वी हैव सम मोर ऑप्शन क्या कोई और तरीका है विदाउट दिस फॉर्मूला क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं बोथ दिज क्वेश्चन एनी वन कैन थी नो कैसे टू सोल्व दीज टू क्वेश्चन विदाउट नीडिंग एनी अदर फॉर्मूला

Just saying कि inverse को tan inverse में convert कर सकते हैं। है क्या Next, inverse by क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स थ्री बाय फोर प्लस क्या टेन इनवर्स को कन्वर्ट करोगे क्या आखिरी वाले को क्यों क्यों कन्वर्ट करोगे ये तो अच्छी बात है टेन इनवर्स में दिया है

साइन इनवर्स टर्टीन क्या होता है अभी लिखा अपन ने टेन बाय टाइव कोई मुझे साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव बता सकता है क्या कितना होता है इट विल बी बाय इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करना है कौन सा वाला केस है एक्स वाई लेस देन वन की ग्रेटर देन वन

अभी कितना आया जितना भी आया होगा कर लेते हैं अब यहाँ तक कराइए तो पाइव प्लस ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट फाइव थ्री फिफ्टीन सिक्सटी थ्री लग रहा है मुझे तो टेन इनवर्स अपॉन नीचे क्या होगा ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस थर्टी सिक्स ट्वेंटी माइनस थर्टी सिक्स इज माइनस सिक्सटीन आई होप यही आया होगा ठीक है नाउ टेलमी ये माइनस तो बाहर आ जाएगा तो अपने पास क्या हुआ आई एम चेंजिंग कलर ऑफ पेन सो देट आप कंफ्यूज नहीं हो पाए माइनस टेन इनवर्स सिक्सटी थ्री बाय करेक्ट अब मुझे बताओ ये तो अपना लेफ्ट हैंड साइड आया अपन को इसको किसके बराबर प्रूफ करना था इसके बराबर प्रूफ करना था तो कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनवर्स समहाउ कैलकुलेशन सही किए मैंने यस ओके ठीक है तो एक तरीका देखना मुझे ये पाई को एडजस्ट करना है पाई को एडजस्ट करना है कैन आई राइट लाइक दिस प्लीज सी देखो मैं कैसे कर रहा हूं पाए माइनस पाए माइनस कॉट इनवर्स सिक्सटीन बाय सिक्सटी थ्री लिख सकते हैं और पाई माइनस hmm. कोट थीटा कितना होता है कोट इनवर्स माइनस 16 बाय 63 राइट राइट नाउ कन्वर्ट कन्वर्टेड इनटू साइन और आपके पास आ जाएगा मेरे पास बोर्ड पे एक्चुअली जगह नहीं बची यार इसलिए अब मैं कर नहीं पा रहा हूं फाइन तो आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि अपन जनरली ऐसे क्वेश्चन को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं इसलिए दीज टू फॉर्मुलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट दी कैन यू रिपीट जस्ट मतलब विथ स्टेप द लास्ट लास्ट एंड ओके फाइन एक बार वापस देखते हैं अपन को ये प्रूव करना था ओके आई स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस दिस इज अवर एलएचएस

तो अब इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो एंड द सेकंड वे कुड बी कि आप साइन इनवर्स 56 बाय 65 को भी किस में कन्वर्ट करो टैन इनवर्स में आपको दोनों साइड इक्वल मिल जाएंगे दैट इज वन वे मैंने इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करा पाए माइनस टैन इनवर्स 63 थ्री बाय सिक्सटीन को मैंने कॉट इनवर्स सिक्सटीन बाय कर लिया रेसी और पाए माइनस थीटा सॉरी पाए माइनस इनवर्स थीटा Inverse X. कितना होता है? तो inverse minus X. ओ, अच्छा तो so, मैंने उसे सिंगल cot में मुझे कन्वर्ट करना था तो मैं वही ट्राई कर रहा था यार बस आई डोंट पाए इन द राइट हैंड साइड तो इसलिए मैंने उस पाए को एक तरह से अंदर फिट कर दिया यूजिंग right? दीज uh, inverse इन टू साइन यहाँ तक सबको क्लियर है क्या मैं यहाँ पे अपने लिए जगह बना लू ठीक है प्लीज नोटेड तो अपने पास आ गया कॉट इनवर्स माइनस सिक्सटीन बाय सिक्स इसको अपन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ठीक है लेट्स फर्स्ट राइट इट अगेन एज अच्छा नहीं कुछ नहीं ठीक है कॉट इनवर्स माइनस सिक्सटीन बाय सिक्स थ्री इसको मुझे किसपे कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है नहीं सॉरी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ठीक है कॉट uh, इनवर्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉरी बेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि अरे पाई वाली चीज करके कुछ बेनिफिट हुआ भी कि नहीं हुआ यार आई एम जस्ट थिंकिंग जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट मी डू वन थिंग मैं इसको यहीं पे छोड़ के लेट मी इरेज दिस फर्स्ट राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं यार साइन इनवर्स यार एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यार इसलिए ये डेटा मिसमैच हो रहा है एक्चुअली दिस इज कॉस इनवर्स बस इतना चेंज है क्वेश्चन में ये एक सेपरेट क्वेश्चन है कि इसको अपन साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बट जो ये एक्चुअल क्वेश्चन था इन दिस क्वेश्चन हेयर इट वाज कॉस इनवर्स आई रोट बोथ है साइन इनवर्स तो अगर अपन चेंज करें तो मुझे बताओ कॉस इनवर्स 12/13 था तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा दिस इज योर दिस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनस 13/5 नहीं 12 यार 12/5/12 हां यस और नो करेक्ट मैं वो करेक्शन कर रहा हूँ सो दैट पहले तो उस क्वेश्चन को फिनिश करें really यार रियली सॉरी यार दिस इज फाइव बाय ट्वेल्व ठीक है अब फाइव बाय ट्वेल्व में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी फर्स्ट वाली फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो ये अपने पास क्या आ जाएगा दिस विल बिकम

सिंपल tan इनवर्स में आ गया अब मुझे इसको साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स में आई कैन इजीली कन्वर्ट साइन इनवर्स ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर यहाँ तो 56 आएगा और 56 और 33 को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो 65 आता है बस सो दिस इज आवर आंसर ये क्वेश्चन तो हो गया ना टेल मी ठीक yes, yes, sure. है तो ये क्वेश्चन तो हो गया इसमें ये पूरा डाटा गलत था यार जिसके कारण भी वेस्टेड आर टाइम ठीक है फालतू के मैनुपुलेशन कर रहे थे हाँ अब जो आपका क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन का भी मैं आंसर कर देता हूँ कि यार तो so, उसका आंसर रहेगा ना किसका फर्स्ट वाला था मतलब फर्स्ट वाला मतलब ये वाला दिस वन हाँ, yes. एक मिनट लेट मी चेक या yeah, फर्स्ट वाले का आंसर इस पाए करेक्ट इसका आंसर पाए अरे मैं तो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस सिक्सटीन अपॉन सिक्सटी थ्री को आप साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे तो मुझे ये जरा बता दो कि ये साइन इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट होगा टेल मी अगर इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो अपन ऐसा करते हैं कॉट इनवर्स माइनस सिक्सटीन अपॉन सिक्सटी थ्री को क्या मान लेते हैं थीटा ठीक है और इसका रेंज लिख लेते हैं मुझे बता सकते हो थीटा का रेंज क्या होगा कौन से में होगा थीटा सही बताना प्लीज सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट करेक्ट पाई बाय टू से पाई फाइन अगर कॉट इनवर्स माइनस सिक्सटीन बाई सिक्सटी थ्री थीटा है तो कॉट थीटा विल बी माइनस सिक्सटीन अपॉन सिक्सटी थ्री इसका मतलब टैन थीटा विल बी अब tan थीटा से आप sin थीटा पे कैसे आ सकते हो कैसे भी आ जाओ यार हाँ अब अपन को जब पता है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये परपेंडिकुलर बेस वाला मेथड नहीं लगा सकते क्या दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस तो 63 और 16 के साथ तो पाइथागोरस थ्योरम से जो भी आने वाला होगा साइन थीटा आपको मिल जाएगा बट साइन थीटा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव सिक्सटी थ्री अपॉन हाइपोटेनियस जो भी आ रहा है, तो दिस इज योर साइन थीटा अपॉन एच अपन को क्या निकालना था अपन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था कन्वर्ट कर लेते हैं अब अगर इसको कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी योर सिक्सटी थ्री अपॉन एच नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है दिस विल बी sin इनवर्स 63 अपॉन h हाँ, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट मतलब प्रिंसिपल एंगल है कि नहीं है नहीं है नहीं है तो ये कैसे कटेगा पाई माइनस थीटा करके तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 63 अपॉन h तो थीटा आ गया मेरे पास पाई माइनस sin इनवर्स ऑफ 63 अपॉन h दिस इज द वी नो h राइट right? H पता है 65. 65 है ना क्या हाँ. अच्छा तो सिर्फ कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ ठीक okay? है यार बहुत बातें हो गई इस वाले बोर्ड पे आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी एंड रिजल्ट दीज टू इंपॉर्टेंट ओके आना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाईके इसका जो फर्स्ट केस होता है प्रिंसिपल डोमेन वाला साइन इनवर्स कैन एनी वन गैस अंदर क्या आएगा जैसे वहां x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई आया था वैसे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ a प्लस बी का जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इट विल बी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स आता है एंड कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन तो ये है ही प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन ये जब अपन डेरिवेशन करते हैं ना तब ये कंडीशन निकल के आती है अब बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड आप खुद ट्राई कर सकते हो कीपिंग एवरी थिंग इन योर माइंड और मुझे बताना आपसे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप प्रॉपरली ट्राई करते हो और फिर नहीं होता है किसी जगह पर अटकते हो तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ओके नेक्स्ट सर हाँ सर जब मैं आई टी एस में प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे कुछ uh... 2x upon x minus uh, y और x minus y upon x plus y जैसे formulas मिले किस में आगे तो बताओ क्या था साइन लगता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई टैन में कन्वर्ट करना तो hmm, अब यार मुझे, मुझे हाँ हाँ मुझे ठीक से याद नहीं आई चेक कर कैन आई सेंड इट तो लाइक आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एनकाउंटर हो रहा है एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं एक दो लोगों के चैट्स uh, का रिप्लाई नहीं कर पाया सिंस लास्ट टू डेज Um, आगे से ऐसा नहीं होगा अनिश का मुझे याद है देर वॉज वन या साक्षी का भी एक मैसेज था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो आई एम जस्ट से जब भी ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो प्लीज व्हाट्सएप में ओके उसी समय व्हाट्सऐप okay, कर दो फोटो खींच के कोई भी टाइम हो दिन का रात का कोई फर्क नहीं पड़ता आई विल सी इट नेक्स्ट डे और मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एंड एवरी

आगे बात करते हैं ये फॉर्मूला क्लियर है दिस इज दी फर्स्ट केस और इसमें जो सेकेंड केस आता है वो आता है पाए माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अगेन एक्स ग्रेटर देन जीरो फाइ ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन ठीक है ये दो केसेस हैं तो अपन एक्स वाई को तो ग्रेटर देन जीरो ले ही रहे हैं क्योंकि उससे वी रिड्यूस आर केसेस क्योंकि अगर एक्स वाई लेस देन जीरो होगा तो पहले अपन वो दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसके बाद फिर इन पे आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आदित्य इज आस्किंग दे टेक एक्स एस टैन थीटा हु टेक एक्स एस टैन वो वो, वो यस पूछ रहा था नहीं वो भी प्रैक्टिस में ये होता है जहाँ को टैन थीटा लेके फिर वन माइनस टैन स्क्वायर बीटा को सेक्स स्क्वायर बीटा लिख के सॉल्व करते ओके okay. या देखो मैं मतलब एक बार देखकर ही उस पर कमेंट करूंगा आई एम जस्ट सेइंग कि हमने अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है आज की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट आज हम काफी सारे ऐसे फॉर्मुलेज पढ़ रहे हैं विच विल बी डायरेक्टली अप्लाइड इन दो क्वेश्चन जो आपने किए होंगे तो जस्ट आज की क्लास के बाद आप ट्राई करना एंड सेंड मी दो ठीक है तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के दो सेट ऑफ फॉर्मुलेस आ गए हमें एक बात ये समझ में आनी चाहिए सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इसका एक ही फॉर्मूला एक ही होता है तो माइनस वाले फॉर्मूले रिलेटिवली बेटर है अपने लिए साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के लिए तो यहाँ पे जो एक केस आता है is, sin anyone, क्या होगा अंदर फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बस यही आता है सिर्फ एक ही रिजल्ट है ये हो गया नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉस इन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस मैं फटाफट लिख देता हूं यार अभी से बस याद करना है आपको कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉस ए कॉस बी का मतलब एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर

माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स ग्रेटर जस्ट नोटेड डाउन सो देट अब आप इन सारे फॉर्मुलेज को एक साथ क्वेश्चन पे यूज करेंगे क्वेश्चन इज एक क्वेश्चन करते हैं बस नॉट इट्स योर चॉइस आप कैसे करना चाहते हो प्रूव दैट साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस साइन इनवर्स एट बाय सेवेंटीन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थर्टी सिक्स बाय एटी फाइव ये आपको प्रूफ करना है अरे भैया ट्राई कर रहे हो ना किस फॉर्मुले से करें चलो अपन इस वाले से करते हैं ऊपर साइन इनवर्स एक्सप्ल साइन इनवर्स कौन सा केस है ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने वैसे ही किया था लेट्सिंग दीज फॉर्मलेज नाइन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा सिक्सटी फोर बाय सेवनटीन का स्क्वायर इज टू ए तो क्या लग रहा है 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 यार है ना क्लियरली अब दिख रहा है देन वन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स इज थ्री बाय फाइव इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर तो वन माइनस वाई स्क्वायर इज एट स्क्वायर अपॉन सेवनटीन स्क्वायर ठीक है प्लस एट बाय सेवनटीन इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस नाइन ट्वेंटी फाइव

तो ऐसा नहीं है कि यार ये फॉर्मूला बहुत टफ था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हो गया इससे ओके? लाइक वी हैव अ चॉइस, हमने सारे फॉर्मुलेस पढ़ लिए हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मुलेज और फिर आपको जो ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो गोट इट ठीक है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब एक दो क्वेश्चन बस मैं मिक्स्ड करवा रहा हूं ऑन दीज प्रॉपर्टीज देन वी विल मूव टू वन ऑफ दी लास्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर ओके तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड नहीं मैं यहीं पे है आई हैव द स्पेस दैट इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फर्स्ट ITF. ITF तो क्वेश्चन okay? नहीं है यू हैस्ट सोल्व दोनवर्स एक्स इक्वल्स इलेवन पाई बाय सिक्स टेलमी द दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व इट सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालना है ठीक है क्या करें बहुत टाइम मिल गया करते हैं इसे। जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं भले वो कोई भी फंक्शंस की हो वैसा ही अपन यहां भी करेंगे तो लेट्स सिंप्लीफाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स 11 पाई बाय 6, राइट? नाउ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6, सो कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया? इट विल बी 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 व्हिच विल बी इक्वल टू 11 पाई माइनस 3 पाई, 8 पाई

Is this question clear to everyone? Yes. Sir. yes. Okay. So, this was one of the questions on inverse trigonometric functions equations, means equations involving ITF. Okay. Next question. If tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square equals 5 pi square by 8. Find X. Find X. यार generally, जब भी ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू समाइव पा स्क्वायर अपॉन एट तो इसको ए प्लस बी में कन्वर्ट करते हैं कैन आई राइट इट लाइक दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल फाइव पाए स्क्वायर अपॉन एट नॉर्मल आ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन सिंपलीफाइंग एन इक्वेशन ए प्लस बी यहाँ पे कितना होगा ए प्लस बी होगा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स इक्वल्स 5 पाई स्क्वायर बाय 8 यस या नो नॉट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स कितना होता है प्राइवेट pi by 2 whole square will be pi square, pi by, square by 4 minus 2 tan inverse x. Uh, can I write cot inverse x as pi by 2 minus tan inverse x? So that everything is in tan inverse x only? Yes. Okay. Now,

टू टू ए स्क्वायर माइनस पाई ए माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाय एट इक्वल टू जीरो ओके अब क्या करें यार हाँ अब तो क्वाड्रेटिक बन गया ये अब क्वाड्रेटिक बन गया तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना होगा क्या करें लेट्स अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई और ऑप्शन ही नहीं अपने पास राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ए कितना होगा माइनस दैट इज पाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर पाई दास्क ए सी तो फोर और थ्री कैंसिल यहाँ पे अंदर क्या आया वी गेट पाई स्क्वायर प्लस थ्री पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर जो बाहर आके टू पाई बन जाएगा तो नीचे तो और यहाँ पे फोर है टू है तो इट्स लाइक पाई प्लस माइनस टू पाई अपॉन फोर तो ए की दो वैल्यूज आ रही हैं एक आ रही है थ्री पाई बाय फोर और एक आ रही है माइनस पाए बाय फोर देर आर टू सोल्यूशन नाउ टेल मी आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेन अपना ए क्या था अपना ए था टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर एंड माइनस पाए बाय फोर मी विच इज पॉसिबल बोथ आर पॉसिबल और ओनली वन कैन टेन इनवर्स एक्स बी थ्री पाई बाय फोर दो इट्स नॉट पॉसिबल बो टेन इनवर्सली माइनस फाइव बायर तो एक्स एक्स होगा टू माइनस वन इज दॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आई होप सम में आगे होगा यार ठीक है तो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन on equation involving itf okay. can we move to the next question so can you give me one minute yeah. i'm copying yeah अच्छा आई टू आस्क वन थिंग यू हैव ओनली सिक्स क्लासेस इन अ वीक आई थिंक आपको नया शेड्यूल मिला होगा टू फॉर मैथ्स टू फॉर केमिस्ट्री टू फॉर फिजिक्स राइट यस सर तो विच स्ट्रक्चर इज बेटर फॉर यू

ओके गॉट इट गॉट इट चलो आगे प्रोसीड करें डन कॉपी हो गया यस चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन टू टैन इनवर्स टू एक्स प्लस वन equals cos inverse x. ठीक है देखो कैसे करेंगे Any suggestion? को बनाना है क्या? कौस? वो वो कर सकते हैं। तो यार मुझे एक बात बताओ मैं एक एनोलॉजी ले रहा हूं सो so देट आपको थोड़ा आइडिया इक्वल टू वन

ये बात मानते हैं हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन का सॉल्यूशन क्या होगा प्लस माइनस वन राइट और रॉन्ग ठीक है ठीक है आगे नेक्स्ट सिचुएशन रूट एक्स इज इक्वल टू टू अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करते हैं ये तो सिंपल है आप ऐसे आंसर फोर मत बताना मुझे मुझे आंसर नहीं चाहिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मेथड हम स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग करना जरूरी हो जाता है आया आया एक ही सॉल्यूशन बट अगर बाय चांस अब आरे पास लेट से ऐसा होता X X square, अब करी आपने तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आया एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू आई क्या दोनों आंसर सिलेक्ट होंगे कि हाँ दोनों आंसर सिलेक्ट होंगे इसका मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होता है कभी कभी एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं तो आपको एक स्टेप का हमेशा ध्यान रखना होता है यू हैव टू चेक योर फाइनल ऑप्टेन रिजल्ट इन ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट यस या नो यस या नो अब एक मेथड और देखना बस इसका मतलब वेन एवर वी डू स्क्वायरिंग हमें एक बार जो सोल्यूशन आ रहे हैं उसको चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बस मैं इस बात पे पूछ रहा हूं आपसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सॉल्यूशन चेक करना चाहिए राइट ये हमें हमेशा करना चाहिए बिकॉज एक्स्ट्रा रूट्स आ गए होंगे तो उसे हटाना पड़ेगा जैसे कि ऊपर वाले ओके okay, ये दोनों चीजें बराबर हैं। मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं. क्या इक्वेशन मिलेगी साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स दाइन एक्स इक्वल टू वन बाय टू मुझे बताओ इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है सोल्यूशन कितने थे ओनली वन फाइव बाई स इसका मतलब वाइल टेकिंग साइन बोथ साइड एक्स्ट्रा रूट्स आ गए कि नहीं आ गए uh. तो हमें क्या करना पड़ेगा फाइनल आंसर में से वो एक्स्ट्रा रूट्स को हटा के सिर्फ फाइव बाई सिक्स बताना पड़ेगा आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी सिंपल सी बात है तो आई एम जस्ट से इस क्वेश्चन में अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो वन ऑफ दी मेथड इज टेक कॉस बोथ साइड दोनों साइड कॉस ले लो अगर आप दोनों साइड कॉस ले लोगे तो क्या बस किस बात का आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर इज योर फाइनल आंसर दैट शुड सैटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन तो बस वही अपन को चेक करना पड़ेगा डेस्ट एवरीथिंग इज फाइन विद मेथड यस या नो नाउ मी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है इनवर्स अंदर है आंसर इज ऑलवेज एक्स और कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला थीटा इसको मैंने थीटा बोल दिया कॉस टू थीटा कॉस टू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर 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 थीटा 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 अपॉन इक्वल टू कितना स्क्वायर पूरे पे होता है टेन स्क्वायर थीटा तो मुझे बताओ टेन ऑफ टेन हो जाएगा हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड में वन प्लस फोर एक्स वन माइनस फोर एक्स इक्वल एक्स टाइम्स वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्सर लेट मी सी तो अब बस हमें क्या करना है ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है कैन वी दिस इक्वेशन यस या नो तो इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन आप इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फैक्टराइज करने के बाद ये इक्वेशन आती है टू एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो क्योंकि दिस इज क्यूबिक इक्वेशन एटमोस्ट थ्री रूट आएंगे इसके नो no सोल्यूशन है यहां से सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो आता है इसका मतलब द ओनली सोल्यूशन दैट इज कमिंग आफ्टर टेकिंग कॉस बोथ साइड इज एक्स इक्वल टू जीरो शुड वी डायरेक्टली एक्सेप्ट दिस सोल्यूशन और कुछ या कुछ और करना चाहिए इसमें पुट करना पड़ेगा पुट करके देखते हैं एल एच एस कितना आ रहा है टू टैन इनवर्स वर्स वन दिस इज योर यू इन टू पाई बाई फोर दैट इज पाई बाई टू आरएचएस कितना विच इज ऑल्सो पाई बाय टू एंड द ओरिजिनल इक्वेशन इट इज द सॉल्यूशन इट इज एक्सेप्टेड अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या यार दोनों तरफ कॉस्ट लिया दोनों तरफ कॉस्ट लिया ठीक है ये हो गया यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना था मैंने इस पूरी चीज को थीटा बोल दिया यार इस पूरी टेन वाली टेन इन्वर्स वाली चीज को तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा का टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटापन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा नाउ टेल मी अगर हमने को कितना हुआ टू एक्स प्लस वन हुआ तो अगर tan थीटा टू एक्स प्लस वन है तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक्स था टेन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस्ट इनवर्स सब हट गया नॉर्मल आपके पास पोलिनोम इक्वेशन बन गई जिसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया तो इससे ओनली जीरो इज सॉल्यूशन कमिंग बट वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट जीरो बिकॉज हमने एक लिया था दोनों तरफ कॉस्ट लेने से एक्स्ट्रा सोल्यूशन आने के चांसेस हैं तो वॉट वी डिड वी सैटिस्फाइड जीरो इन दी ओरिजिनल इक्वेशन वो सैटिस्फाई कर गया हेंस दिस सोल्यूशन इज एक्सेप्टेड इसका एनोलॉजी यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी ओरिजिनल सॉल्यूशन भी एक्स इक्वल टू वन है बट हमने स्क्वायर कर दिया कहीं जरूरत पड़ी और फिर सॉल्व किया तो अब सॉल्यूशन उसके प्लस माइनस वन बन गए एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है इनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे ओनली वन इज दी सॉल्यूशन